Hello, welcome back. This is Roshan Yadav and you are watching Learn English with Roshan Yadav. In today's video, we will see preposition in English grammar, which is a very important part of English grammar learning English. So we will learn preposition in today's video. Let's begin. So prepositions, which is very important and which are very useful in English grammar, you will see everywhere. We should have clear all the things. In today's video, I welcome you to another video to improve your English. And in this video, we will talk about all the concepts, all the things you need to know, or the basic concepts or examples to cover all the aspects and the thing about prepositions. So let's begin. We will see meaning in Hindi of preposition uses with example. In this video, you will see preposition uses with example, meaning in Hindi, animated photos and videos to learn a better understanding of preposition. So this will be a series videos. In this, from today to March to 4 March, you will see the videos which will be helpful for you. Share and help your friends. By sharing this video, you help your friends who have low command on English. So subscribe, I get motivation to create more videos. Then I will create more videos for you. Subscribe this channel. Daily 4, we will discuss on, over, in and at. So I will show you how we will see the animated. So this will be the animations to understand the preposition. So let's begin today's preposition. And these are 4, on, over, in and at. Let's begin, guys. So preposition. जब हम पहली बार preposition को सुनते हैं तो preposition है क्या? प्रीपोजिशन के सारे एस्पेक्ट्स को हम देख लेंगे आज. प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग हिंदी में कहते हैं. इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. मतलब कि जो चीज़ें हैं हमारी नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर, ये पूर्व सर्ग क्यों है इसका नाम? क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले लग जाता है और उसके बारे में ये डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं. सो एग्जाम्पल एट, इन, ऑन एंड ओवर, ये सारे क्या है चीजें? प्रीपोजिशंस. दीज ऑल आर थिंग्स प्रीपोजिशन. सो अ प्रीपोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज यूज टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. प्री मतलब प्री, बिफोर, पोजिशन मतलब प्लेसमेंट. तो प्री पोजिशन का मतलब ही ये होता है कि जो पहले लग के उसके बारे में बता दे और उसके प्लेस लग जाए, जो पहले लग जाए नाउन और प्रोनाउन के सेंटेंस में, जो पहले ये छोटे छोटे वर्ड्स लगते हैं टू, अबव, इन, ऑन. सो यही चीजें प्रीपोजिशंस होती है. सो अ प्रीपोजिशन मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. मींस पहले प्रीपोजिशन होगा, देन नाउन एंड प्रोनाउन होंगे. नाउन और प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन का यूज करके हम, इट कैन नेवर बी फॉलोड बाय अ वर्ब. ये वर्ब के बाद नहीं आता, ये नाउन और प्रोनाउन के बाद ही आएगा. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशनशिप अमंग अदर वर्ड इन सेंटेंस. ये चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है प्रीपोजिशन जुड़ के. ये जो इन, एट, ऑन लग जाते हैं और ये जो दो चीज़ें होती हैं या दो से अधिक चीज़ें होती हैं, उनके बारे में रिलेशन हमें बता देता है, अच्छे से समझा देता है. सो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशनशिप. दो वस्तुओं के मध्य संबंध बताने वाले शब्द को ही संबंध कारक या प्रीपोजिशन कहते हैं. तो प्रीपोजिशन होता क्या है ये हमें क्लियर हो गया. इट इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के पहले ये शब्द लग जाते हैं उनके रिलेशन को बताने के लिए, और उनके जो यूज है वो उसके इंग्लिश लैंग्वेज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेशन को, संबंध को नाउन प्रोनाउन के बाद लग करके बता देता है किसी भी चीज से. इसका मतलब ही होता है प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब उसकी जगह. तो पहले लग जाएगा, इसकी जगह पहले लगने की है. सो दीज आर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन प्रीपोजिशन, बट वी विल सी इम्पॉर्टेंट वंस, बिकॉज इम्पॉर्टेंट वंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल नीड टू नो विच आर द प्रीपोजिशंस वी विल सी. सो दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ, विथ, एट, फ्रॉम, इन टू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, अंटिल, अगेंस्ट, अमंग, थ्रू आउट, डिस्पाइट, वर्ड्स, अपॉन, कंसर्निंग, टू, इन, फॉर, ऑन. सो दीज प्रीपोजिशंस आर इम्पॉर्टेंट एंड दीज थिंग्स आर देयर फ्रीक्वेंसी इन द नंबर्स. यू कैन सी मोर देन थाउजेंड इज देयर, बट वी विल सी दीज यूजेस एंड इट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर आर थाउजेंड और टू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन प्रीपोजिशन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वट वी हैव टू रीड. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बाय, अबाउट, थ्रू, ओवर, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, सिंस, विदाउट, अंडर, विदिन, अलॉन्ग, Following. These words we usually use and it is important. Prepositions like above, across, against, along, among, around, at, before, behind,
बिलो बीनीथ बिसाइड बिटवीन बाय डाउन फ्रॉम इन इनटू नियर ऑफ ऑफ ऑन दीज आर द प्रीपोजिशन वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड सी सो लेट्स बिगिन व्हाई वी शुड लर्न प्रीपोजिशन और यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप कि हमें ये प्रीपोजिशन जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर वो उसका यूज क्या है और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर यू नीड टू नो सो इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच जो बेसिक ग्रामर का इंग्लिश का होता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच है सिक्स नंबर का जो आठ पार्ट्स होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन आर्टिकल वगैरह सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच इट्स कम ऑन सिक्स नंबर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स डिस्क्राइब क्या करते हैं ये प्रीपोजिशन यूज क्या है तो ये प्लेस को टाइम को और मैनर और मेथड को बता देते हैं ये वर्ड्स लग करके जैसे एट ऑन इन रीजन और पर्पस को बता देते हैं किस कारण से कुछ हो रहा है उसमें ये वर्ड्स जुड़ जाते हैं और उसके रीजन और पर्पस को बता देते हैं वो होता है एक प्रीपोजिशन सो सी गाइज आई विल डिस्क्राइब यू ऑल द थिंग्स इन मेन एंड इन डिटेल्स सो यू नो द ऑल बेसिक एंड द थिंग्स यू नीड टू नो विच विल बी इम्पॉर्टेंट बट इट इज इन डिटेल सो यू विल लर्न थ्रू अ बेसिक और थ्रू अ आई कैन से इन बेस और इन डिटेल इन डीप कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग्स विच विल अफेक्ट यू और इट विल बी यूजफुल इन फ्यूचर एज वेल आप सब अगर ये अभी से इन चीज़ों का कमांड डिटेल में ले लेते हैं कि क्यों है कैसे है क्या चीज़ें होती हैं सो यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम्स सो इट विल बी ईजी एंड इट विल बी इन डिटेल डिस्क्रिप्शन सो टाइप्स कितने प्रकार के हो जाते हैं प्रीपोजिशन वो देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन होगा जो कॉमन प्रीपोजिशन होते हैं ऑन इन एट जो कि सिंपल वन वन वर्ड के होते हैं सेकेंड टाइप है हमारा प्रीपोजिशन का डबल प्रीपोजिशन जो दो वर्ड्स कंटेन करता है इंस्टेड ऑफ नियर टू कंपाउंड प्रीपोजिशन जैसे कि जो फॉर्म प्रीफिक्सिंग जिसमें लगा करके बनाते हैं जैसे बी प्लस साइड्स तो ये कंपाउंड है इसमें प्रीफिक्स कर दिया हमने बी को जोड़ दिया साइड्स के साथ और बिसाइड्स बन गया ये कंपाउंड प्रीपोजिशन टाइप का है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कौन सा होता है जिसमें आईएनजी लग जाता है वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाता है फोर्थ टाइप है प्रीपोजिशन का जैसे इंक्लूडिंग ड्यूरिंग तो आईएनजी लगा हुआ है तो कौन से टाइप का प्रीपोजिशन हो जाएगा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन लेट्स सी फ्रेज प्रीपोजिशन जो फ्रेजेस में होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं वो सारे फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं जैसे कि अलोंग विथ अवे फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ ये कैसे हैं ये फ्रेजेस में है सो दीज काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन और दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस लेट्स बिगिन फर्स्ट प्रीपोजिशन विच इज ऑन और इन हिंदी यू विल सी पर सो ऑन जो हमारा पहला प्रीपोजिशन है उसको समझते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या क्या यूज है कैसे एग्जाम्पल्स के साथ और फोटोज के साथ हम इसको समझेंगे ऑन को ऑन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो आप यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका फिल इन द ब्लैंक्स आता है इट इज़ यूजफुल इन मैनी ऑफ द एग्जाम्स एंट्रेंस एंड इट विल बी अ वेरी गुड प्रीपोजिशन टू लर्न सो यू कैन हैंडल द इंग्लिश टेस्ट और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स सो लेट्स सी ऑन सो ऑन फॉर ऑन इट इज़ यूज टू इंडिकेट पोजिशन ये क्या करता है हमारा पोजीशन दिखाता है देख रहे हैं आप पोजीशंस को दिखाया जा रहा है सो दिस विल ऑन विल शो पोजीशन ऑफ समथिंग अ टॉप ऑफ और सरफेस किसी सरफेस पे जो चीज़ रखी है किसी सतह पर रखी है किसी टॉप किसी चीज़ के टॉप पे रखी है वो ऑन है और इट इज़ द यूज ऑफ ऑन टू इंडिकेट अ पोजिशन अ टॉप और सरफेस किसी चीज़ पे कुछ रखा होता है जैसे द बुक इज ऑन द टेबल तो वो टेबल के ऊपर जो बुक रखी है और जो उसमें रिलेशन बताया हमें वो काम किया किया प्रीपोजिशन ने वो काम किया सो प्रीपोजिशन वर्क इज टू शो रिलेशनशिप सो इट विल यूज एंड वी विल सी दैट विल शोइंग द पोजिशन सो पोजिशन ऑफ अ सरफेस सो वी विल यूज ऑन फर्स्ट यूज ये था ऑन का सेकेंड यूज है ऑन टाइम के लिए भी यूज होता है फॉर टाइम डेट डेट जैसे हम बोलते हैं ऑन 15th मार्च सो दीज आर द डेट्स सो वी यूज ऑन फॉर डेट्स लाइक डेज ऑफ वीक संडे मंडे के लिए भी ऑन यूज होता है ऑन बोल करके हम संडे मंडे बोलते हैं इंडिकेट करता है ये मोर स्पेसिफिक डेज और डेट्स को फेस्टिवल्स ओकेजन्स के लिए भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके उसका यूज देखते हैं जैसे ऑन दिवाली ऑन होली ऑन क्रिसमस सो दीज आर द यूजेस ऑफ ऑन सो इन एग्जाम्पल यू विल सी दिस इज द एनिमेटेड फोटो विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ऑन यूज एज यू आर क्लियर विद द पिक्चर्स एंड द यूजेस सो बिग बुक इज ऑन द टेबल
book is on table, book is on notebook. So it is showing the position which is touch surface and it is telling the position. So we are using on preposition. तो हम on preposition का use करते हुए किसी चीज के ऊपर कुछ रखा है तो use करते हैं, कोई date, कोई time के लिए, specific time के लिए on का use करते हैं. On की हिंदी होती है पर, किसी चीज पर, जैसे बिल्ली कार्टून पर बैठी है, बिल्ली टेबल पर बैठी है, या सेब किताब के ऊपर रखा है, के ऊपर, ऊपर और उसके पर, ठीक है, तो वो होता है हमारा ऑन प्रीपोजिशन. लाइक द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल, फोटो हैंग्स, फोटो लटक रही है दीवार पर, ठीक है. ही लिव्स ऑन अ फार्म, वो फार्म पर रहता है. शी विल कम ऑन संडे, वो संडे को आएगी. सी हेयर द फॉर द डेट वी आर यूजिंग ऑन प्रीपोजिशन एज इट इज अंडरलाइन. एप्पल इज ऑन बुक, कैट इज सिटिंग ऑन बॉक्स, योगेश बर्थडे कम्स ऑन क्रिसमस, क्रिसमस इज फेस्टिवल एंड वी आर यूजिंग ऑन प्रीपोजिशन टू शो रिलेशन और टू सी द कॉन्सेप्ट. सो दिस वॉज द यूज ऑफ ऑन एज यू ऑल क्लियर्ड बाई दिस थिंग्स लाइक ऑन इज यूज फॉर सरफेस और विच इज अपॉन समथिंग अ टॉप और सरफेस. सेकेंड फॉर डेट्स, फॉर डेज ऑफ वीक लाइक संडे मंडे वी यूज ऑन. डेट्स के लिए भी ऑन यूज करते हैं, फेस्टिवल ओकेजन के लिए भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. सो दिस इज द सिंपल थिंग यू विल गेट टू नो. वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव योर नॉलेज. यू विल गेट अ टास्क एंड यू विल डू प्रीपोजिशन सो यू विल लर्न द थिंग्स. अब इनका यूज देख लेते हैं हम. इन, इन में, इन मतलब होता है में. सो इसका यूज होता है यूज फॉर समथिंग इन रेस्ट पोजिशन, कोई रेस्ट पोजिशन में कोई चीज रखी है, और थिंग और पर्सन, सो वी विल यूज इन प्रीपोजिशन. टाइम के लिए जो स्पेसिफिक टाइम नहीं होता जब हम इनका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज कब होता है जब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता. लाइक इन मंथ्स, लाइक आई विल डू द वर्क इन फरवरी, आई विल कम टू दिल्ली ऑन अप्रैल, इन अप्रैल. ओके, सो सीजन्स के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इनका यूज कर लेते हैं. इनका मतलब हिंदी में होता है मे, किसी चीज में, जैसे मैं फरवरी में आऊंगा, जनवरी में जाऊंगा, अप्रैल में करूंगा, मे. सो इट इज द यूज ऑफ इन प्रीपोजिशन. किसी प्लेस के लिए कैसे हम करेंगे, किसी लोकेशन को बताने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं. इनका यूज एक किसी लोकेशन में, जैसे आई लिव इन इंडिया, कंट्री, टाउन एंड सिटी, आई लिव इन दिल्ली. सो दीज थिंग्स वी यूज इन. इन किस चीज के लिए यूज होता है हमारा, किसी चीज के अंदर है कोई चीज, या कोई चीज लोकेशन बताने के लिए, फॉर लोकेशन एंड फॉर स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक टाइम, लाइक नॉट, विच इज नॉट स्पेसिफाइड, इट विल से ओनली इन द मंथ, आई विल कंप्लीट माय वर्क इन टू मंथ्स, थ्री मंथ्स, आई विल गो टू पार्क इन वन ईयर, एंड आई विल सी द पिक्चर इन समर, समर इज सीजन, सो यू विल सी द things that is happening, and it is the use, like first use is for position or thing which is in rest, second use for not specific times, months, years and seasons, for place you will say which is not indicate a proper location, or it defines the location which is big and in large. So examples of this in use or prepositions are: The boy is in the box. वो किसी पोजिशन में है, वो बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स, इन द बॉक्स, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है. ही सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो कहाँ बैठता है, वो कॉर्नर के रूम में बैठता है, तो इन द रूम. किसी पोजिशन, किसी प्लेस, किसी लोकेशन को बताने के लिए इनका यूज होते हुए आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में. देयर इज अ बिग ट्री इन द मिडल ऑफ द गार्डन, गार्डन में, गार्डन के बीचों बीच में एक बड़ी पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है. आई लिव इन इंडिया, सो आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया, भारत में रहता हूँ. सो मैं, और किसी लोकेशन के लिए क्या यूज़ किया हमने, इनका यूज़ किया, तो इनका यही यूज था. आई टेक टी इन द मॉर्निंग, सी इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टाइम और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी से मैं सुबह में चाय पीऊँगा. सो दीज थिंग्स वी यूज इन. तो माधवी वॉज इन द रूम, वो कहाँ पर थी, रूम में थी. सो माधवी वॉज इन द रूम. इन जो था वो प्रीपोजिशन हमारा उस जगह को, उस रिलेशनशिप बता रहा है, माधवी और उस रूम का कौन किसमें था, तो इन ये प्रीपोजिशन है. वी सिट इन द रूम, हम कहाँ बैठते हैं, रूम में बैठते हैं, तो वी सिट इन द रूम. सो इट वॉज द यूज ऑफ इन. सो आई सी अ हाउस इन द पिक्चर, मुझे एक घर में पिक्चर
आई सी अ हाउस इन द पिक्चर, मैं एक घर को पिक्चर में देख रहे हैं, है ना। सो पोजिशन यहाँ पे बताई जा रही है। ही लिव्स इन पेरिस, कहाँ रहता है वो प्लेस के लिए देखेंगे। ही लिव्स इन पेरिस, तो जो जगह जो लोकेशन बताती है वो क्या होता है हमारा प्रीपोजिशन इन। सो द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस, तो ये प्लेस बता रहा है, ईयर बता रहा है। सो व्हाट, किस चीज का यूज कर रहे हैं हम, व्हाट वी आर यूजिंग, इट इज इन प्रीपोजिशन। सो लेट्स सी सेकेंड प्रीपोजिशन इन। आई होप यू अंडरस्टूड द इन प्रीपोजिशन विच इज शोइंग द समथिंग इन रेस्ट पोजिशन, समथिंग इन इन द पोजिशन, लाइक इट इज इन सम टाइम और इट विल बी यूज फॉर समथिंग विच इज इन रेस्ट पोजिशन। कोई रेस्ट किसी चीज के अंदर है तो उसके लिए यूज करते हैं हम इनका। तो टाइम विच इज नॉट स्पेसिफिक, और जैसे हम महीनों में कर लेंगे, हम 2 महीनों में 3 महीनों में, तो ये टाइम के लिए यूज देख लिया हमने, सीजन्स के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जगह के लिए जो लोकेशन को बता देता है, बड़ी जगह जैसे कंट्री हो गया, टाउन सिटी, इनके लिए भी इनका यूज कर लेते हैं, तो इनका यूज इतना था। लेट्स कम टू सेकेंड वोकैबुलरी विच इज एट, हिंदी में पर। सो द प्रीपोजिशन एट किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू रेफरिंग टू बिल्डिंग्स लोकेशंस इन अ सिटी, किसी सिटी शहर में बिल्डिंग बोल देते हैं एट मयूर प्लाजा, और छोटी जगहों के लिए जो यूज होता है वो एट प्रीपोजिशन होता है। दिस कैन बी कंफ्यूज विद द प्रीपोजिशन इन, आपको लग रहा होगा इन भी जगहों के लिए यूज होता है और एट भी, तो आप इनमें कंफ्यूजन हो सकती है। हमें जब फिल करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स देना होता है, तो हम एट और इनका गलत यूज कर लेते हैं, इसलिए इस कंफ्यूजन वगैरह को मिटाने के लिए ही इस वीडियो में मैंने सारे प्रीपोजिशन को डिटेल में समझाया है। सो इन दिस वीडियो यू विल सी दैट एट वर्सेस इन विच विल बी इन अनदर स्लाइड्स और इट विल बी देयर, सो डोंट कन्फ्यूज विद एट एंड इन। लाइक आई से आई लिव एट पटपगंज, बट पीपल माइट से आई लिव एट दिल्ली, इट इज रॉन्ग। सो दिस थिंग्स सो दैट हाउ वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशंस। सो लेट्स बिगिन द प्रीपोजिशन, दिस कैन बी कन्फ्यूज। So in generally in is used to buildings mean that something occurs inside the building, किसी building के अंदर हो रहा होता है तो हम इनका use करते हैं, but किसी building पर होता है तो at का use कर लेते हैं, तो ये confusion था at और in में, but it is easy. At on the other hand is used to express that something happens at the location, location पे कुछ होता है हम बोलते हैं, जैसे at banquet hall, at wedding hall, at किसी प्लेस के लिए एट का यूज कर लेते हैं, जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं उसके लिए एट का यूज होता है। फॉर स्मॉल प्लेसेस लाइक विलेजेस, टाउन्स और फॉर पोजीशन वी यूज एट। सो ये प्रीपोजिशन है हमारे टाइम में जो जो यूज होते हैं एट का, आप देख सकते हैं जैसे एट 734 स्ट्रीट, एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, ये छोटी छोटी जगहों के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट। सो एट का यूज ये था। एग्जाम्पल्स देखते हैं एट के, एट के एग्जाम्पल लाइक आई सेट एट माई टेबल एंड क्राइड, मैं अपने टेबल पर बैठा, सो एट का यूज किया हमने और रोया, सो एंड क्राइड। लेट्स मीट एट 11:45, जब स्पेसिफिक टाइम हो तब भी हम एट का यूज करेंगे। एट सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, उसका टाइम के लिए होता है, एट 5 PM, एट 4 PM, एट 6 PM। सो एट यूज इज मोस्टली फॉर स्मॉल प्लेसेस और विद टाइम और फॉर पोजिशंस। You can see these things. The car will stop at the curb. तो कार curb के ऊपर वहाँ रुक जाएगी। The dog scratch at the screen. कुत्ते ने screen पर scratch कर दिया। So at using हम देख रहे हैं। Their wedding was at the town hall. Town hall एक छोटी जगह, उसके लिए भी at का use किया हमने। There were tens of thousands of people एट JLO's लेटेस्ट कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट पर बहुत लोग थे, उसके लिए भी एट का यूज किया। दे लाफ्ड एट ऑल हिज जोक्स, किसी के पोजीशन पर, सो यहाँ पे भी एट का ये यूज था। दीज आर द एग्जाम्पल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। लेट्स गेट नेक्स्ट प्रीपोजिशन विच इज ओवर, ओवर मीन्स ऊपर। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, एज वी आर डूइंग 4 प्रीपोजिशन टूडे एंड 3rd वन इज ओवर, ओवर मीन्स ऊपर हिंदी में। Easy one, it is the easiest, which is very easy or common. You will use over very in very places or in much uses, so it will be helpful for you. Over for movement and position. Over हम किसी movement और position, कोई किसी के ऊपर है, कोई movement हो रहा है किसी चीज पर,
तो हम ओवर का यूज कर लेते हैं. वी यूज ओवर टू टॉक अबाउट द मूवमेंट और पोजिशन एट हायर लेवल. कोई किसी चीज के ऊपर होता है, हायर लेवल पे ओवर होता है, तो जैसे कोई चीज उसके ज्यादा चली गई, ओवर हो गया. सो दैट इज द यूज ऑफ ओवर प्रीपोजिशन. लेट्स सी इट्स इमेज. सो यू कैन सी देयर इज अ फैन विच इज ओवर. सो यू विल सी एग्जाम्पल्स. द ब्रिज इज ओवर रिवर. द फैन इज ओवर अस. हमारे ऊपर पंखा होता है तो हम ओवर का यूज करते हैं. तो पोजिशन में कुछ ऊपर होता है तो ओवर का यूज होता है. ओवर एंड ऑल ओवर. वी कैन यूज ओवर एंड स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ ऑल ओवर व्हेन समथिंग इज कवरिंग समथिंग. किसी चीज को कुछ कवर करता है तो भी हम ओवर का यूज करते हैं. ओवर किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज होता है. जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, उन्होंने इतने समय में ओवर कर दिया, हमने 5 मिनट्स में ओवर कर लिया, खत्म कर लिया. ओवर नंबर्स के साथ भी यूज होता है, किसी संख्या के साथ. तो एग्जाम्पल्स में हमें क्लियर हो जाएगा. दे हेल्ड अ लार्ज अम्ब्रेला ओवर हर. उसके ऊपर, सबसे ऊपर उसके ऊपर बड़ा अम्ब्रेला था. तो दिस इज द एग्जाम्पल. द बालकोनी जस्ट आउट ओवर एट द स्ट्रीट. ओवर द स्ट्रीट मतलब बालकनी जस्ट स्ट्रीट के, गली के ऊपर है. तो ऊपर के लिए किसी पोजीशन में या किसी मतलब किसी चीज के कुछ ऊपर होता है. जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं कि पंखा हमारे ऊपर होता है, तो ऊपर के लिए क्या यूज होता है, ओवर. ओवर प्रीपोजिशन इज इजली अंडरस्टेबल बाय हिंदी मीनिंग, और इट इज लाइक समथिंग ओवर इन पोजिशन और समथिंग अपर, समथिंग हायर लेवल. सो दिस इज द ओवर यूज. शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड. उसने सोते हुए बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट रख दिया. तो ये क्या है, ओवर का यूज है. लेट्स सी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन इन एंड एट. इट इज कंफ्यूजिंग. इन वर्सेस एट एंड ऑन एंड ओवर. दिस इज द कंफ्यूजिंग. सो यू नीड टू सी एग्जाम्पल्स एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ टास्क. सो डोंट मिस दिस वीडियो और डू दिस टास्क टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. सो आर यू कंफ्यूज विथ वेयर वी शुड यूज इन एंड वेयर वी शुड यूज एट. आपको दोनों सेम लग रहे हैं, इन और एट का यूज सेम लग रहे हैं, कंफ्यूजन होती है, तो हम उसको दूर करने के लिए सारे इसके चीजें देखेंगे. सो यू विल सी दैट एट इज यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस, बट यू मेक और मैनी पीपल मेक मिस्टेक्स और वी मेक मिस्टेक्स और वी ऑफन कंफ्यूज विद इन वर्सेस और इन एंड एट. सो हमें कंफ्यूजन हो जाती है, एट भी सेम है, इन भी सेम है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी चीजें देखेंगे कहाँ किसका यूज है. तो एट इज यूज व्हेन यू आर एट द टॉप, किसी चीज के ऊपर है और समथिंग किसी चीज का खत्म होता है. स्पेसिफिक एड्रेस के लिए एट का यूज होता है, बट हमें लगता है कि हम एड्रेस के लिए, आई लिव इन डैश एड्रेस किसी जगह का, आई लिव इन 230 पटपड़गंज और आई लिव इन 230 मुंबई एटसेट्रा, दीज आर द एड्रेसेस. स्पेसिफिक एड्रेस के लिए एट का यूज होता है, बट पीपल यूज ऑफन इन, आई लिव इन. सो दिस इज द रॉन्ग, बट वी शुड यूज एट प्रॉपरली. सो एट अ जनरल लोकेशन के लिए भी यूज होता है. और वहीं हम देखेंगे कि इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका और एट का डिफरेंस देख लेते हैं. एट जो होता है वो स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज होता है, और इन होता है हमेशा लार्ज प्लेसेस के लिए, है ना. जैसे बट वी मेक मिस्टेक सच एज लाइक आई लिव एट दिल्ली, ये गलत हो जाता है. हमें बोलना होता है आई लिव इन दिल्ली. सो इट इज बिग प्लेस और इट इज अ सिटी. सो वी शुड यूज इन फॉर दैट एंड एट इज फॉर स्मॉल और वेरी लो प्लेसेस. सो लेट्स बिगिन विथ कंट्री. सो आर यू कन्फ्यूज. सो एग्जाम्पल लाइक ही वॉज बॉर्न एट अरक्कू इन विशाखापट्टनम वर्सेज आई लिव्ड इन इंडिया. ऑन एंड ओवर का यूज देख लेंगे हम. ऑन इज यूज फॉर टच सरफेस विथ टू थिंग्स वर्सेज ओवर इट इज यूज विच डज नॉट टच सरफेस, इट इज इन द एयर. एग्जाम्पल इन नेक्स्ट स्लाइड एंड टास्क प्रैक्टिस. सो यू नीड टू डू दिस एंड इट विल बी द एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट. सो कमेंट योर आंसर्स एंड प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स. यू विल डेफिनेटली लर्न प्रीपोजिशन. दीज फोर प्रीपोजिशंस आर क्लियर इन दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विथ ऑल द प्रीपोजिशंस और इट इज द सीरीज. सो यू विल गेट डे बाई डे ऑल प्रीपोजिशन. टूडे वी डिस्कस एट, इन, ऑन एंड ओवर. So let's get to examples. More and more examples you will see and examples of confusing preposition we will see. Like specific address के लिए हम at का use करते हुए देखेंगे. You can visit us at 123 Wilson Drive.
इट इज फॉर स्पेसिफिक एड्रेस, सो वी आर यूजिंग एट। जनरल लोकेशन के लिए आप देखेंगे आई विल मीट यू एट स्कूल, मैं आपको स्कूल पर मिलूंगा, सो इसके लिए भी हम एट का यूज कर रहे हैं। इंटरसेक्शन के लिए भी एट का यूज करते हुए देखेंगे हम, द बस स्टॉप स्टेशन इज एट मार्बल स्ट्रीट एंड रेड ड्राइव। स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आई विल सी यू एट होम। एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए देखेंगे हम, वी कैन मीट एट द ट्रैफिक लाइट। बॉटम ऑफ समथिंग के लिए भी माई बैग इज एट बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। बस इस, अब इनका देखते हैं कहाँ हो रहा है। देखो आपने एट का देख लिया कहाँ कहाँ हो रहा है, इनका देखो। जैसे हम बसेस करके, हम वर्सेस करके हम देखते हैं कि इसका कहाँ यूज हो रहा है और उसका कहाँ हो रहा है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सके और ठीक से उस चीज का यूज कर सके। तो इन अ स्पेस, किसी स्पेस के लिए हम यूज करते हैं इनका। जैसे द कीज आर इन माई बैग, कहाँ पर रखा है, किस जगह पर रखा है, बैग में। तो वो स्पेस के लिए यूज हुआ हमारा इन, हम स्पेस के लिए नहीं एट यूज कर सकते, हम स्पेसिफिक एड्रेस के लिए ही एट यूज कर सकते हैं। स्मॉल व्हीकल के लिए जैसे गो गेट इन द कार, तो उसके लिए भी इनका यूज हो रहा है। वाटर, वी आर गोइंग स्विमिंग इन द पूल, वी आर गोइंग टू स्विमिंग इन द पूल। नेबरहुड, आसपास की चीज होती है, उसके लिए भी इनका लगता है। कंट्री के लिए लगता है इनका यूज, लाइक वी लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, दैट आर द एग्जांपल्स। राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब ऑन वर्सेस इनका देखेंगे हम। ओके, सो ऑन हमने सबसे पहले देख लिया था प्रीपोजिशन, और ऑन वर्सेस ओवर भी देखा था हमें। ऑन और ओवर एक जैसा लगता है, क्योंकि ऑन किसी चीज पर होता है और ऊपर भी बोलते हैं, तो दोनों के इसमें टकराहट होती है। तो हम ऑन और ऑन वर्सेस ओवर देख लेंगे। ऑन वर्सेस ओवर भी हमने देखा ही था पिछले स्लाइड में, सो इन दिस स्लाइड ऑल्सो यू विल सी दैट। सो द प्लेन फ्लाइज ओवर द सी, प्लेन जो है वो समुद्र के ऊपर उड़ता है, जो मूवमेंट बता रहा है वो ओवर के लिए। बट आई सेड इन फर्स्ट सेंटेंस विच इज राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, पेपर पीस, पेपर के ऊपर लिख दो, और यहाँ पे प्लेन उस के ऊपर उठ रहा है, बट ये मूवमेंट सजेस्ट कर रहा है, उसमें कोई मूवमेंट होगा, बट वो किसी पेपर के ऊपर लिखने को बोल रहा है। सिट ऑन द चेयर, चेयर पर बैठ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चेयर पर बैठने की बात हो रही है। इसमें बोलेगा पुट द क्रीम ओवर द केक, मतलब कोई अपर लेवल की बात हो रही है इसमें। सिट ओवर देयर, तो वहाँ बैठ जाओ। आई पुट ऑन द लेटेस्ट पेयर ऑफ जीन्स, उसने पहना तो ऑन, अपने ऊपर पहना, विच आई बाउट लास्ट वीक। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस। लेट्स सी टुडे टास्क और टू डू थिंग फॉर लर्निंग प्रीपोजिशन। इफ यू वॉन्ट टू लर्न प्रीपोजिशन, यू नीड टू डू, और यू विल गेट प्रैक्टिस, सो आई विल ऑल्सो गेट हेल्प इफ यू डू दिस, और इफ यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स प्रीपोजिशन। सो वॉट यू नीड टू डू इज दैट, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट आंसर्स इन कमेंट बॉक्स, लेट अस नो what you have learned from this video, or it is the thing you will know or you will learn. So learn English with Roshan Yadav, it is for learning or betterment of improving English. So in this task you need to do, like I have given sentences, every day Sapura goes to the market dash 7 p.m. you need to fill or use appropriate prepositions, as you are seeing here time. So what will be in the first blank, so you will write this. Their wedding was dash, so you will write the preposition, correct preposition. The fan is dash, you have seen that example, or you can write easily. They held a large umbrella dash, you will use the proper preposition for that. I received this message dash, or there is time, so you can use both the preposition which we learned today. She dislikes being looked at on in, you have to fill these things in that fill in the blanks. I take tea dash morning, so you have to show the relationship, timing or location, place, so you will use this preposition, because preposition is to show location, relationship, direction, place. आप यूज ही हमारे इस चीज का देखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है, कि जो लोकेशन, टाइम, ये सब बता रहा है। तो इनमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही सब बता रहे हैं, तो हमें यूज करना है यहाँ प्रीपोजिशंस का। आपको इनमें एट, इन, ऑन, ओवर, ये सब चीजें ही भर के अपना प्रीपोजिशन करना है। थैंक यू सो मच। राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, इट्स इजी। इन कमेंट बॉक्स यू कैन राइट द फर्स्ट आंसर, लाइक एट मार्केट, सो यू विल राइट दिस, यूज दिस prepositions on this fill in the blanks, and you will write, I hope you will write the answers, so you got learned and you also improve yourself. I will understand that you have learned something, or I hope you will write the answers
right? You will fill in the blanks so you can also improve. So this is the thing I want to say. This is the task. Do comment, and thank you so much for watching this video.